हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम गए थे रणथंभौर फोर्ट, और इस वीडियो में हम लोग विज़िट करेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क। और हमारा कैंटर आ गया है और हम लोग शेरपुर गेट से रणथंभौर नेशनल पार्क में एंट्री कर रहे हैं, और यहीं से फोर्ट की भी एंट्री होती है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने यहीं से एंट्री की थी, और अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं जोन फोर। हमारा जोन जो था वो जोन फोर था। According to last census, entire the park we have near about 80 tiger, but not very easy to see because of the tiger is a territorial animal. Every tiger has his own territory. But try my best, you know. And other animal, deer, monkey, peacock, we have plenty of them. We can find them in any time, you know. But first of all, my driver will like to tell the place where is the sanctuary. Okay. So my request is this: please show me the map. Show me the map. सो हमारे जो कैंटर के गाइड थे, उन्होंने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए सभी, और हम लोगों ने जोन फोर के अंदर एंटर कर लिया। सो वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल पार्क के बारे में, हमने क्या क्या देखा वहाँ पे, हमें टाइगर साइट हो पाया नहीं हो पाया, तो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और नेशनल पार्क की हिस्ट्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही में आप लोगों को कराएंगे नेशनल पार्क की सैर। मेल विद द बिग एंटलर्स नो बिग एंटलर्स एंड सर सो नेशनल पार्क में एंटर होते के साथ ही हमें कुछ सांबर देखने को मिल गए और कुछ स्पॉटेड डियर्स हमें देखने को लिए मिल गए। और हमारे कैंटर के ऊपर काफ़ी सारे लोग थे, और कुछ फॉरेनर्स भी थे और कुछ बच्चे भी थे। सो सभी बहुत एक्साइटेड थे नेशनल पार्क घूमने के लिए। और देखिए कितनी हरी भरी जगह है नेशनल पार्क के अंदर, बहुत ही घना जंगल, और विचरण करते हुए वन्य जीव जंतु, काफ़ी सारे बर्ड्स वगैरह भी थे, उनके स्पीशीज थे। तो हर जगह जहाँ भी हमारा कैंटर गया, तो वहाँ पे हर जगह बर्ड्स वगैरह चिरपिंग कर रहे थे, और बहुत सारे तरह तरह के यहाँ पर हमें पेड़ पौधे वगैरह भी देखने के लिए मिले। सो फ्रेंड्स, अगर आप कैंटर से जा रहे हैं तो आपको एक दो चीज़ों का ध्यान और रखना पड़ेगा कि आपको कैंटर से नीचे उतरना अलाउड नहीं होता है। उसके बाद अगर आप खड़े हो करके यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, तो हो सकता है आपको कोई पेड़ की ब्रांच वगैरह हिट कर जाए, तो आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और उसके साथ ही अगर आप हाथ को भी ऊपर करके बैठे बैठे अगर आप फ़ोटो वीडियो क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई ब्रांच आपके हाथ को हिट कर जाए और आपका कैमरा या फ़ोन नीचे गिर जाए। सो स्ट्रिक्टली यहाँ पर कैंटर से नीचे उतरना तो अलाउड है नहीं। सो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद थोड़े आगे गए हम लोग, तो वाटर सोर्स एक हमें दिखा, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डियर्स वगैरह और देखे। तो हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया थोड़ी देर, बिकॉज़ सेकेंड हाफ़ में हम लोग गए थे सफारी के लिए, और सेकेंड हाफ़ में जैसे गर्मी काफ़ी हो जाती है, तो टाइगर वगैरह हो सकता है पानी पीने के लिए यहाँ पर आए, और कुछ डियर्स वगैरह भी यहाँ थे, तो हो सकता है शिकार के लिए भी टाइगर यहाँ पे आ जाए। तो हम लोग इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर रुके और हमने वेट किया कि कोई टाइगर अगर हमें साइट होता है तो। थोड़ी देर वेट करने के बाद हमने डियर वगैरह देखे, स्पॉटेड डियर्स वगैरह, और वेट किया। उसके बाद हम लोग और आगे की तरफ निकल गए, और हमारे गाइड कोशिश में थे कि हमें टाइगर साइट करा सके जल्दी से जल्दी। और ये देखिए, और कई तरह के हमें वाइल्ड एनिमल्स मिले, सांबर के साथ साथ डियर के साथ साथ हमें वाइल्ड पिग्स वगैरह भी देखने के लिए मिले, और लंगूर वगैरह तो हर जगह ऑलमोस्ट
हम देख ही पाते हैं। तो लंगूर वगैरह भी यहाँ पे थे, और आगे भी हमने कई प्लेसेस पे वेट किया कि हमें टाइगर स्पॉट हो जाए, जहाँ भी हमें लग रहा था कि कोई वाटर बॉडी है, साथ में कोई डियर वगैरह है या सांभर वगैरह है या बड़े बड़ा कोई ग्रासलैंड टाइप है। तो काफ़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे वेट किया और हमने कुछ डियर वगैरह के वीडियोस वगैरह शूट किए सभी ने, और सभी एक्साइटेड थे कि कब हम लोग टाइगर देख पाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग रणथंभौर में या और भी किसी सफारी में जाते हैं तो कोशिश सबकी यही रहती है कि टाइगर देख पाएँ। वैसे तो कहने के लिए यहाँ और बहुत सारे एनिमल्स वगैरह हैं, लेकिन अब देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सो कैंटर बुकिंग की अगर हम बात करें तो हमने 1300 पर हेड कैंटर पड़ गया था। हमारी बुकिंग थोड़ी लेट थी, तो आप लोगों को 1000 रुपीज़ के आसपास तक भी पड़ सकता है, आप थोड़ा जल्दी करा लें। लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने रिपीट किया था, इस वीडियो में भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कहीं से बुकिंग करा रहे हैं सफारी की, तो आप किसी जान पहचान के पर्सन से या किसी होटल के थ्रू, जैसे हमने अपने होटल के थ्रू कराया था, होटल वालों से बात की थी और उन्होंने करा दी थी हमारी बुकिंग, तो इस तरह से किसी पर्सन से कराइए ताकि हमको ये पता हो कि हाँ भाई हमारी बुकिंग जो है वो जेन्युइन है और वेरीफाइड है। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं और फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं लोगों के साथ, काफ़ी बार होता है, स्पेशली फॉरनर्स के साथ ऐसा काफ़ी बार होता है। सो ट्राई करें कि ऐसा ना हो आपके साथ। ये देखिए क्रोकोडाइल वगैरह हमें भी देखने को मिले, थोड़े आगे गए हम लोग। सो पहले हम सेम वाटर बॉडी के दूसरी साइड थे, इस बार हम सेम वाटर बॉडी के दूसरी साइड आ गए, तो इस साइड काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स वगैरह थे, पानी के अंदर भी क्रोकोडाइल तैर रहा था और आसपास भी और कुछ डियर वगैरह और बाकी छोटे मोटे जानवर थे। सो हम लोगों ने अभी वेट किया कि क्या पता टाइगर यहाँ पे साइट हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी जगह थी टाइगर साइट करने के लिए। और दोपहर का टाइम था इसीलिए सूरज भी थोड़ा सा वाटर में रिफ्लेक्शन आ रहा था, तो वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं हो पाई यहाँ पे। और कैंटर के साथ साथ आप अगर चाहें तो, अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप जिप्सी भी बुक कर सकते हैं। सो जिप्सी का प्राइस मेनली अगर आप टाइम से कर देते हैं तो शायद 5-6 हज़ार के आसपास हो जाती है, लेकिन आप लेट करेंगे तो 8,000-10,000 तक भी उसके प्राइस चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा और आगे निकल गए अपहिल की तरफ, और हमारे गाइड काफ़ी कोशिश में थे कि हमें टाइगर स्पॉट करा सकें। और उसके बाद थोड़ी देर हमने बीच में रेस्ट भी किया, वहाँ पे एक जगह होती है रेस्ट करने के लिए नेशनल पार्क के बीच में, जहाँ पे वॉशरूम की, पानी की, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो वहाँ पे 10 मिनट हमारा कैंटर रुकता है और जिप्सीज वगैरह जाती हैं वो भी वहाँ पे रुकती हैं, एक स्टॉप लेती हैं थोड़ी देर का, उसके बाद फिर आगे की तरफ चल पड़ते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि ऑलमोस्ट सारी जगह एक वाटर बॉडी, एक स्ट्रीम टाइप थी जो सारी जगह फ़्लो हो रही थी नेशनल पार्क के अंदर, जो भी रास्ता था उसके साथ साथ। तो ऐसे में बहुत अच्छा चांस बन जाता है आपको टाइगर को स्पॉट करने के लिए। लेकिन अभी हमें 1 से 1.5 घंटा हो चुका था और हमें कोई टाइगर स्पॉट नहीं हुआ था, तो हम लोग तब तक बात कर लेते हैं नेशनल पार्क के बारे में। सो रणथंभौर नेशनल पार्क जो था वो 10th सेंचुरी में, जब रणथंभौर फोर्ट बना था तो उस टाइम ये किंग्स का हंटिंग करने का प्लेस होता था, हंटिंग ग्राउंड बोलते थे इसको। उसके बाद जब 1955 में आज़ादी के बाद हमारा जो रणथंभौर नेशनल पार्क है उसको स्वाय माधोपुर गेम सेंचुरी का नाम दिया गया था। बेसिकली राजस्थान के स्वाय माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क है, इसलिए स्वाय माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम दिया गया था। उस टाइम इसका एरिया जो था वो था 282 किलोमीटर स्क्वायर, और धीरे धीरे उसके नाम चेंज हुए, एरिया बढ़ा, तो उसके बाद इसका नाम हो गया प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स एंड 1973 में, और 1980 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और अभी जो रणथंभौर नेशनल पार्क का एरिया है वो है 1334 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया है। और रणथंभौर आने के लिए मध्य प्रदेश तो बिल्कुल पास ही पड़ता है रणथंभौर के, हरियाणा से भी कम से कम 6 घंटे के आसपास का रास्ता पड़ता होगा हरियाणा के बॉर्डर से, सेम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से भी 4-5 घंटे का रास्ता पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, तो बहुत इजी हो जाता है इन स्टेट से अगर आप आ रहे हैं तो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी नहीं आपको। और सभी इस वेट में थे कि कब हमें टाइगर दिखे, सभी को ईगरनेस हो रही थी
क्योंकि अभी हमें 1.5 से 2 घंटे हो गए थे और हमने जो टोटल टाइम सफारी के अंदर स्पेंड किया वो किया 2.5 से 3 घंटे के अंदर। और हमारे गाइड बहुत कोशिश में थे कि हमें टाइगर्स स्पॉट करा सके और बहुत सारे कैंटर्स वगैरह थे, जिप्सीज वगैरह थी, तो वो भी ट्राई कर रहे थे कि हमें टाइगर स्पॉट हो, उनको भी टाइगर स्पॉट हो, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं लोग। और बीच में एक कॉल भी आया हमें, तो हम लोग वहाँ पे जल्दी जल्दी गए, लेकिन उस टाइम भी हमें फ़िलहाल कोई टाइगर नहीं स्पॉट हो पाया वहाँ पे। उसके बाद वापस से हम वाटर बॉडीज़ के पास आए और वापस हमने यहाँ पर वेट किया दोबारा से, क्योंकि यहाँ हाईली चांस होते हैं कि टाइगर स्पॉट हो जाए आफ्टरनून के टाइम। सो काफ़ी देर वेट किया हमने, और थोड़े आगे चलने के बाद हमें लंगूर वगैरह भी मिले, तो हमने उनके पास भी वेट किया कि टाइगर यहाँ पे हमें साइट हो जाए। क्योंकि लंगूर क्या होता है कि पेड़ के ऊपर बैठते हैं, वो बहुत दूर से टाइगर्स को देख के कॉल दे देते हैं कि हमें पता चल जाता है बहुत इजीली कि टाइगर आ रहा है कोई, तो हाईली चांस बन सकते थे हमारे टाइगर स्पॉट करने के। तो हमने यहाँ थोड़ी देर और वेट किया, काफ़ी सारे कैंटर्स वगैरह थे जिनको नहीं मिला था और वो वापस जा चुके थे, लेकिन हमारे जो गाइड थे वो पूरी कोशिश में थे अभी भी कि हमें टाइगर साइट करा सकें, और बहुत कोशिश की उन्होंने हमें टाइगर साइट कराने की। और भी हम काफ़ी जगह पे वेट करते हुए आए जब हम वापस आने लगे तो, कि हमें टाइगर मिल जाए, और बहुत कोशिशों के बाद हम लोग वापस निकल चुके थे बाहर की तरफ आने के लिए। सो फ्रेंड्स, कुछ सालों पहले जो जोन 4 होता था वो फेवरेट जोन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे एक टाइगरेस थी मछली जिसका नाम था, और वो टाइगरेस अक्सर साइट होने के लिए मिल जाती थी, तो ये फेवरेट जोन हुआ करता था। लेकिन उस टाइगरेस के बाद से अभी मतलब इतना ज़्यादा साइटिंग नहीं हो पाती है टाइगर्स की, हालांकि और भी कई सारे टाइगर्स हैं, बट वो बात नहीं रही जोन नंबर 4 में। लेकिन नेचर की ब्यूटी का हम पूरा आनंद ले रहे थे, बिकॉज और भी एनिमल्स हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टाइगर ही देखने यहाँ पे आए, हम लोग नेचर का मज़ा लेने आए हैं, हम लोग और एनिमल्स को भी देख सकते हैं। और रही बात टाइगर की, तो टाइगर को फिर दोबारा कभी सफारी में आना होगा तब हम देख सकते हैं, या किसी और नेशनल पार्क को विज़िट करेंगे तो तब देख सकता है। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें सिर्फ टाइगर ही देखने यहाँ पे आना है, बिकॉज़ और भी बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो और भी हम काफ़ी सारी जगह पर रुकते हुए आ रहे थे ग्रासेस वगैरह में कि हमें टाइगर साइट हो जाए, बिकॉज़ ग्रासेस वगैरह में टाइगर छुप कर रुक जाते हैं अटैक करने के लिए किसी एनिमल के ऊपर। और जहाँ भी हमें डियर वगैरह या लंगूर वगैरह मिल रहे थे वहीं पे हम रुक जा रहे थे थोड़ी देर के लिए, वेट करने के लिए कि हमें टाइगर दिख जाए। तो डियर वगैरह हमें काफ़ी सारे मिले, सांबर वगैरह भी हमें काफ़ी सारे मिले, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी हमें टाइगर के कोई नामो निशान नहीं दिखा। एंड फाइनली वेट करते करते हम लोग बाहर की तरफ ऑलमोस्ट आ ही चुके थे, लेकिन हमारा वेट जारी था क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, लेकिन फिर भी हमें कोई टाइगर साइट हो नहीं पाया। और हमारे कैंटर ने हमें होटल से पिक किया था और वापस होटल पे ड्रॉप कर दिया, और हम लोग अपनी गाड़ी लेकर निकल गए चित्तौड़गढ़ की तरफ, क्योंकि हमारा अगला स्टॉप था चित्तौड़गढ़। सो हम लोग रात को चित्तौड़गढ़ पहुँचे 11:30 के आसपास, एंड हमने बाहर से डिनर पैक करा लिया था, एंड हमने होटल पे जाके डिनर किया।
और हम लोगों ने डिस्कस किया कि चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ चला जाए, क्योंकि हम लोग ये सोच के आए थे कि हम लोग जैसलमेर जाएंगे, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बाकी था चित्तौड़गढ़ के बाद, तो हमारे पास इवनिंग नहीं थी, हमें नेक्स्ट डे वापस रिटर्न आना था। तो अगर आज इवनिंग चित्तौड़गढ़ के बाद इवनिंग पे हम ना पहुंच पाते जैसलमेर, तो हम लोग वहाँ का इवनिंग का फंक्शन वगैरह जो कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं वो नहीं देख पाते, उनमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो इसलिए हमने सोचा कि हम कुंभलगढ़ जा करके सेकेंड हाफ में, उसके बाद हम लोग जोधपुर निकल जाएँ और नेक्स्ट डे हम जोधपुर करके रिटर्न हो जाएँ। तो हम लोगों ने ये सोचा, लेकिन उसके बाद भी नेक्स्ट डे चित्तौड़गढ़ देखने के बाद हमारा प्लान चेंज हो गया। तो क्या प्लान चेंज हुआ वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चित्तौड़गढ़ किले की सैर कराएंगे, और चित्तौड़गढ़ किले में जो भी चीज़ें हैं, वहाँ का म्यूज़ियम है, जो भी हथियार वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम लोग विज़िट करेंगे। सो टिल देन फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस। थैंक यू।